हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज की जो रेसिपी आप वो देख सकते हैं, केक है। और इसमें जो हमने मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, फलों के राजा आम, वो यूज़ किया है। और बिलीव मी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है केक। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये दो आम उसको छील लिया है, उसका ऊपर का स्किन निकाल लिया है, उसको कट कर लिया है। और ये एक कटोरी आम है, ठीक है। ये दो आम जो कि एक कटोरी पूरा भर रहा है वो है। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, जार में ले डाल लीजिए और इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बनाएंगे। मैं इसमें शुगर, चीनी भी यूज़ करूँगी जो कि एक कटोरी है। आप अप डाउन कर सकते हैं चीनी, क्योंकि आम ऑलरेडी मीठा रहता है। और अब हम उसमें क्या करेंगे, तेल भी यूज़ करेंगे। मैं सब ग्राइंडर में ही मिक्स कर ले रही हूँ ताकि ये इजी होगा हमें मिलाने में। तो हमने 6 से 7 चम्मच रिफाइन ऑयल यूज़ कर लिया है। आप इसमें ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। और अब हम क्या करेंगे, इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा जो पेस्ट है वो भी रेडी है। मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच जो स्पून आप दिख रहा है उसी स्पून से मैंने 4 to 5 स्पून दूध ले लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें दूध आप पहले मत डालिए, 2 से 3 चम्मच डालिए, 4 चम्मच डालिए, उससे ज़्यादा मिल्क मत यूज़ कीजिए। और इसको अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि आगे जब आप इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिन होते जाएगा, जो बेटर है। तो अब हमने इसमें मैदा डाल लिया है। जिस कटोरी से मैंने 2 कटोरी आम लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा लिया है। ये मैदा को मैंने छन्नी में पहले अलग से छान लिया और उसके बाद डायरेक्ट इसमें मिक्स कर लिया है प्रॉपरली, ठीक है गाइस। आप भी कीजिए वैसे ही, आप चाहे तो डायरेक्टली आम का जो पेस्ट है उसी में मैदा को सीव कर लीजिए। इसमें बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है मैंने। और उसी सेम चम्मच से 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। आप अगर जब सीव करते हैं, जब आप छानते हैं मैदा को, उसी टाइम आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भूल गई थी उस टाइम डालना, इसलिए मैंने अभी डाला। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आप देखेंगे कि मैं जितना मिक्स करूँगी इसका जो बैटर है वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होता जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना प्रॉपरली और फ्लफी होते जा रहा है ये। एंड रिमेम्बर, इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो एयर है वो इनकॉर्पोरेट हो सके। और देखिए, आप देख रहे हैं कितना फ्लफी हो रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा। तो हमारा बैटर रेडी हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसको प्री हीट करेंगे। उसमें सॉल्ट डाल दीजिए, ऐसा कोई भी बेस ले लीजिए, नहीं है तो आप एक प्लेट ले लीजिए ऊंचा सा, और उसमें हम ट्रे रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्री हीट करना है। इसको ढक के कम से कम 10-15 मिनट गर्म होने दीजिए। और इधर देखिए, दूसरे साइड में आपको अपना बैटर दिखा रही हूँ, वो देखिए उसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी देखिए। आपको इसमें दूध की ज़रूरत ज़्यादा नहीं लगेगी, सिर्फ 4 से 5 चम्मच। देखिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा बैटर रेडी है, मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें बटर पेपर रख दिया है, उसको ग्रीस कर दिया है। और अब हम इसमें अपना जो बैटर है, मैंगो केक बैटर, वाव, वो हम डालेंगे। और इसको अब हम अच्छे से टैप कर देंगे गाइस। अब ये टैप करने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने कैश्यूज, बादाम सब कट करके रख लिया था, अब हम उसमें डाल देंगे। आप और भी नट्स इसमें डाल सकते हैं, एज पर योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा रेडी है बैटर, हमने उसको कढ़ाई में रख दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रॉपर रख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे और मीडियम टू लो के बीच में हमारा फ्रेम रहेगा। और ये रेसिपी बिलीव मी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही। और ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। ये देखिए, हमने कवर कर दिया, आधे घंटे 1 घंटे बाद मिलेंगे अब हम। ये देखिए हमारा केक जो है रेडी है, मैंने इसको डीमोल्ड भी कर लिया है।
और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बिलीव मी। आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए ये रेसिपी की ऐसा लगा है आपको। और ये देखिए प्रॉपर ये निकला और ये बहुत ही फ्लफी है। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कट किया और आप देख सकते हैं बहुत ही मॉइस्ट है अंदर से और स्पॉन्जी है और टेस्ट बहुत ही टेस्टी, स्पेशली मैंगो लवर पीपल उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देखिए कितना स्पॉन्जी है ये केक। तो अगर ये रेसिपी अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, बाय बाय।